गए। सरकार बार बार किसानों को प्रस्ताव दे रही है, लेकिन किसान नेता कानून वापसी पर अड़े हुए हैं। बातचीत के बार बार फेल होने के पीछे वो किसान नेता हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सरकार की चिंता इस बात से भी बढ़ गई है कि किसान आंदोलन पर खुफिया एजेंसियों ने गंभीर रिपोर्ट दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रो लेफ्ट विंग ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और लेफ्ट विंग किसानों को हिंसा आगजनी के लिए उकसा रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है। किसानों के नाम पर कुछ लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिसमें अल्ट्रा लेफ्ट लीडर्स यानी उग्र वामपंथी विचारधारा के लोगों का हाथ हो सकता है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट क्या है ये आपको बताते हैं। खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है, प्रो लेफ्ट विंग के किसान आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं। लेफ्ट विंग के किसान हिंसा आगजनी के जरिए लोगों को उकसा रहे हैं कि वो ये सब करें, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अगर कोशिश की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में टकराव की स्थिति पैदा होगी, जो अच्छी बात नहीं है। देश की जनता और खासकर किसानों को समझाने के लिए ये आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं। और आखिरकार कौन लोग हैं जो पीछे रहकर किसानों को इस तरह से उकसा रहे हैं। किसान आंदोलन को लीड कर रहे बड़े चेहरों में एक नाम है दर्शन पाल सिंह का। दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के नेता हैं और इस संगठन की शुरुआत 2016 में की गई थी। क्रांतिकारी किसान यूनियन का सीपीएम से भी सीधा रिश्ता है। क्रांतिकारी किसान यूनियन का पंजाब के भटिंडा, फिरोजपुर, फरीदकोट, संगरूर और पटियाला जिलों में अच्छा खासा असर देखने को मिलता है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे लोगों के लेफ्ट विंग से जुड़े होने की बात बेहद गंभीर है। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद ने सिंगू बॉर्डर पर किसान नेता दर्शन पाल से डायरेक्ट सवाल किया और पूछा कि क्या उनकी वजह से समझौता नहीं हो रहा है। हमारे साथ इस समय दर्शन पाल जी हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और क्रांतिकारी किसान यूनियन के सबसे बड़े नेता हैं। सर, सरकार ये कह रही है कि आपकी जो आपका संस्था है वो सीपीआईएम से उसका ताल्लुक है और यही वजह है कि डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। आप और भी जो हैं वो नहीं चाहते कि इसका सोल्यूशन निकले, क्या कहना है इस आरोप? अभी किसान इशू को उठाकर हम 6 महीने से लड़ रहे हैं। कभी हमने MSP का इशू लड़ा, कभी हमने कर्जे का इशू लड़ा, अभी हम ये 6 डिमांड्स के ऊपर लड़ रहे हैं। तो सरकार तो जो मर्जी बोलता रहे, सरकार को किसी को टेररिस्ट बोल देगी, किसी को कुछ बोल देगी। सरकार का अपना सोचने का तरीका है, हमारा अपना किसानों के लिए संघर्ष करने का। हमारा किसान संगठन में है, 32 संगठन हम लड़ रहे हैं एक साथ। तो ये सरकार इस तरह का प्रचार रही है, सरकार की मर्जी, करना नहीं चाहिए, हम निंदा करते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे जो डेडलॉक की स्थिति है वो बनी रहेगी? सरकार कह रही है कि जो किसान आंदोलन की जो रिमोट कंट्रोल की चाबी है वो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर उनके मानसिकता वाले नेताओं के पास। एकदम बकवास करते हैं। अभी यहाँ खालिस्तान पक्ष के लोग रहते हैं, अकालियों के लोग भी रहते हैं, हिंदू माइंडेड लोग भी रहते हैं, लेफ्टिस्ट लोग भी हैं, लाल झंडे वाले भी बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार किसी को ये बोल दे उसकी मर्जी है, लेकिन ये ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम एक भी फैसला हमने 32 संगठनों की बड़ी मीटिंग के करने के बिना आज तक नहीं, एक भी फैसला। कह रहे हैं आप डॉक्टर हैं लेकिन खेती से कोई सरोकार नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अरे मैं खेती करता हूँ भाई, 20 एकड़ जमीन है मेरे पास। मेरे पिता की मौत के बाद मैं खेती करने लगा और उसके बाद मैंने किसान यूनियन। क्या लगता है आपको ऐसा क्यों कहा जा रहा है सर? हमारे साथ दर्शन पाल जी थे जो साफ तौर पे इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल सरकार से पूछना चाहिए कि वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब लेफ्ट विंग पर किसान आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लग रहा है। लेफ्ट नेताओं पर किसानों का क्या कहना है? मनीष प्रसाद ने सिंगू बॉर्डर पर सीधे किसानों से ही पूछा। ये भारतीय किसान यूनियन कादिया की है और यहाँ पर इस समय जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये सभी लोगों को लंगर से लेकर दवाई तक की सारी सुविधा दे रहे हैं। अब आंदोलन में एक बात बिल्कुल साफ है, सरकार अमेंडमेंट के साथ आती है और किसान ये कहता है कि वो पूरी तरह से इस बिल को खारिज करना चाहता है। तो बड़े संगठन है ना, जो 40-41 बड़े संगठन थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा है और इसीलिए ये स्थिति किसान और सरकार के बीच डेडलॉक की है। जो किसान है वो इसका हल चाहता है, सरकार इसका हल चाहती है, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं वो नहीं चाहते। देखो सरकार झूठ बोल रही है, सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। जदों असी पंजाब सी
उदो भी दो बारी दिल्ली जी सरकार के नाल असी भी इतने मीटिंग लैन आए सी उहदे विच कदी उन्हां दा सैकटरी आ गया कदी जिहड़ा सी खेतीबाड़ी मंत्री आया ना आया ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਆ ਆਪ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਰਿਮੋਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਪਾਸ ਦੇਖੋ ਯੇ ਬਾਤ ਤੋ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਵੀ ਸਮਝ ਮੇ ਆਤੀ ਹੋਗੀ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲਾ ਲੋ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਸਕੋ ਕਭੀ ਤੋ ਉਸਕੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਬੋਲ ਦੇਤੇ ਹੈ कभी उसको आतंकवादी बोल देते हैं कभी खालिस्तानी बोल देते हैं अब इनको और कुछ नहीं सूझा तो अब ये बोल रहे हैं कि ये कम्युनिस्ट हाँ ठीक है वो उनकी विचारधारा होगी। अब किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो उनकी शंकाएं हैं लेकिन ये एमपी से जो खबर आ रही है उससे जो इनकी शंका है किस तरह से दूर हो जाएगी आपको दिखाएंगे।